Are you looking for correct information on BSc Nutrition? If yes, then you are on the right video. Because in this video, we'll discuss everything about BSc Nutrition, the eligibility, the syllabus, the government jobs, private jobs, etc. So, welcome to Chalk Talk Tutorials, and let's start our today's video with a simple question, that what is BSc Nutrition? BSc Nutrition basically a 3-year undergraduate degree course which offers the study of food and nutrition. Agar simple language mein baat kare, it is the study of relationship between food, nutrition and health. India mein bahut sare colleges hain jo is course ko offer kar rahe hain. कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लगभग सभी कॉलेजेस जो हैं इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं. इसका स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो बात आती है कि एडमिशन लेने के लिए बीएससी न्यूट्रिशन में क्या एलिजिबिलिटी है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन बीएससी न्यूट्रिशन. सो मिनिमम 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड. जनरली जिस तरह और सभी कोर्सेज में मिनिमम 50% मार्क्स 12th क्लास में रिक्वायर्ड होते हैं, उसी तरह इस कोर्स के लिए भी 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एडमिशन लेने के लिए. नो स्पेसिफिक स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड इन 12th क्लास. आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, पीसीएमबी से हैं, ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आप किस स्ट्रीम से हैं. 12th के बाद आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो आप इजीली बीएससी न्यूट्रिशन में एडमिशन ले सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ बीएससी न्यूट्रिशन. अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस और सभी कोर्सेज की तरह, देखिए कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स लेते हैं या एनुअल ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं. उसके अकॉर्डिंग सिलेबस की अगर हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं कॉमन हैं जो दूसरे बीएससी कोर्सेज में भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी. कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्पेसिफिक हैं बीएससी न्यूट्रिशन के लिए. तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये हो गया. फूड माइक्रोबायोलॉजी, फैमिली मील प्लानिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड क्वालिटी एंड एनालिसिस, डाइटिक्स, फूड प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस, फूड मार्केटिंग, फूड पैकेजिंग, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड सर्विस मैनेजमेंट. तो इस तरह के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं. बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट हैं वो रिलेटेड हैं फूड से या हेल्थ से या हाइजीन से या डाइटिक्स से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है. तो ये कुछ सिलेबस था जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कंप्यूटर साइंस या और सभी डिग्री कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं, ये यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं. तो ये हो गए सिलेबस की बात. अब बात करते हैं हम कि बीएससी न्यूट्रिशन के बाद क्या क्या रोल हैं, क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं जो कि बीएससी न्यूट्रिशन करने के बाद जो कैंडिडेट है वो उन जॉब्स को कर सकता है, क्या क्या रोल हैं जो उनके लिए सुटेबल हैं. तो देखते हैं इसमें क्या क्या है. तो बीएससी न्यूट्रिशन करने के बाद जॉब टाइप्स में आता है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, डाइटिक्स टेक्नीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, बायोकेयर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद न्यूट्रिशन एडवाइजर. देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड से नाम हो गए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि बीएससी न्यूट्रिशन करने के बाद, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर न्यूट्रिशन कंसल्टेंट जो है या डाइटिशियन जो है, इनका क्या रोल है. आपके घर के आसपास या आपकी सोसाइटी में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ कोई जिम है, अच्छा जिम है जहां पर डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका क्या काम है. किसी को वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, उसके लिए जरूरत पड़ती है एक डाइट प्लान की, एक डाइट चार्ट की, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है. तो वेट लूज करने के लिए या वेट गेन करने के लिए जो भी डाइट प्लान तैयार किया जाता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूट्रिशनिस्ट की या डाइटिशियन की, कि वेट गेन करने के लिए मील प्लान करना है या वेट लूज करने के लिए मील प्लान करना है. सिर्फ जिम्स तक ही इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, आप अपनी सोसाइटी में प्राइवेट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ डाइटिशियन आप काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट एज अ काम कर सकते हैं.
गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी पर कई बार आपने ऐड भी देखा होगा, कुपोषण से रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक ऐड आता है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी गवर्नमेंट काफी वैकेंसीज निकालती है जहां आप एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये तो जनरल आइडिया हो गया कि आप बीएससी न्यूट्रिशन के बाद किस तरह वर्क कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड टू बीएससी न्यूट्रिशन। प्राइवेट में भी हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड, क्योंकि बीएससी न्यूट्रिशन करने के बाद में अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियन हैं तो आपके पास गवर्नमेंट फील्ड में जाने का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज यहां से मिलेंगी। मैं बताता हूं आपको सबसे पहले कुछ प्राइवेट जॉब्स के बारे में। बीएससी न्यूट्रिशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको थोड़ा काबिल बनना पड़ेगा। स्टार्टिंग में प्राइवेट जॉब्स में पैकेज थोड़ा कम होता है फ्रेशर्स के लिए, धीरे धीरे जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो पैकेज, सैलरी पैकेज भी बढ़ जाएगा। देखिए बहुत सारे फील्ड हैं प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि आप किसी कम्युनिटी में अपना वर्क शुरू कर सकते हैं एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, या फिर आप किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एज अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन वर्क कर सकते हैं, या फिर हेल्थ कंसल्टेंट एज अ वर्क कर सकते हैं आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी एनजीओ से जुड़कर जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। जब आप naukri.com पर सर्च करेंगे जॉब्स फॉर बीएससी न्यूट्रिशन तो वहां पर आपको 8,000 से 10,000 जॉब्स दिखाएगा जो मेडिकल कोडिंग, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन रिलेटेड है। ये तो मतलब ठीक है, हर कोई भी बीएससी बॉटनी जूलॉजी वाले भी उन जॉब्स को कर सकते हैं, लेकिन जॉब्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है बीएससी न्यूट्रिशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताता हूं आपको, जॉब्स तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी हैं बीएससी न्यूट्रिशन के बाद या एमएससी न्यूट्रिशन के बाद, लेकिन जरूरत है कि आपको पता कैसे चले। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी निकली हुई है। मैंने वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो वहां पर आपके पास एक पेज खुलेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वहां पर वैकेंसीज निकली थी जो ICMR ने निकाली थी। वो लिंक आपको डायरेक्ट उस वैकेंसी वाले पेज पर ही ले जाएगा। पिछले एक महीने में वहां पर 6 से 7 वैकेंसीज निकली थी जिनमें लगभग 50 से 60 पोस्ट के ऊपर उन्होंने भर्ती कराई थी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में न्यूट्रिशन, बीएससी न्यूट्रिशन के लिए या एमएससी न्यूट्रिशन वालों के लिए बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। फूड टेक्नीशियन या फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। आपको पता कैसे चलेगा उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आपको इन वैकेंसीज के बारे में पता कैसे चले। आपको ऊपर आई कार्ड में, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में कैसे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट फील्ड में जो जॉब्स हैं उसके लिए भी मैंने बता दिया कि वैकेंसीज निकलती हैं, या आप मायूस ना हो कि गवर्नमेंट फील्ड में बीएससी न्यूट्रिशन वालों के लिए वैकेंसीज नहीं है। बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी थी उन पोस्ट के लिए और परमानेंट जॉब्स थी, तो बहुत अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका। और धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें ग्रो करेंगी स्कोप बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो सोच रहे हैं बीएससी न्यूट्रिशन करने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।